ओम सूर्य देवताभ्यो नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार की व्रत कथा। तो कथा सुनने से पहले जो लाल कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। दोस्तों, आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में और चैनल सब्सक्राइब करने में। ऐसा ही हम पर आप अपना प्यार बरसाते रहें। भक्तों, सूर्य भगवान आप सबकी रक्षा जरूर करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अब हम सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। तो सुने, एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई, वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गऊ का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईश्वर्या और डाय से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा ने गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा।
राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा कि राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बोला, बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। इसीलिए तो कहते हैं भक्तों, चलो मत बराबरी करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब जल्द से जल्द वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें प्रिय भक्तों।